वेलकम बैक टू असासिन्स क्रीड ओडिसी। और प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने बैटल ऑफ 100 हैंड्स में पार्ट लिया, जिसके हम लोग चैम्पियन बन गए। वो बेसिकली एक बैटल रॉयल था 50 लोग में। तो इस पार्ट की शुरुआत मैं सोच रहा हूँ कि ये नहीं, ये फोर्ट से कर सकता है, तृप्ति फोर्ट, ओके, इससे शुरुआत कर सकता है एंड देन फिर आगे देखता है। चलो, हेलो स्पार्टन्स, मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये स्पार्टन्स ने उनका झंडा ना लगाकर ये वाला झंडा लगाने दिया। चलो, वो ओके, ये रहा लीडर है, ओके, लेवल 32, हम लोग की भी 32 ही रहेगी फिर। नहीं, अगर एनिमीज 31 है तो हम लोग भी 31 है, क्योंकि एनिमीज हमारे लेवल पे स्केल हो जाता है। लेट्स सी, आई डोंट बिलीव इतने ही लोग है, बिकॉज फोर्ट है ये। यस, और एक दो दिख रहे, तीन। वेल, आई थिंक लीडर को तो ओपन लीडर ट्रेन कर रहा है लग रहा है। लेट्स सी, आई थिंक दैट्स इट। ओ वेट अ मिनट, चेस्ट, और भी कुछ तो आ रहा है, नहीं वो तो दूर है। आई थिंक दैट्स इट। और अब एक बार मेरे को कोशिश करना है कि अगर रात को फोर्ट में ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने जाए तो कुछ एडवांटेज मिलता है क्या। चलो, एनिमी डिटेक्शन तो कम होता ही रहेगा राइट, रात को कुछ नहीं तो, और कुछ एनिमी सो रहे भी रहेंगे। लेट्स सी, अब वहां पे पहले तो टॉर्च ही करनी है, लेकिन अगर ये सामने दिख रहा है तो व्हाई नॉट, येलो वाला भी मिल जाएगा। लेट्स गो, आई थिंक हम लोग ये रूप से जाकर धीरे धीरे यहां से, और डेड बॉडी मिल गई जस्ट इन टाइम। चलो, ये सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी यही रहनी चाहिए फोर्ट में, ताकि और लोग ना आए। अब उसको किल करता है, छुपके जाता है, शायद वो यहां पे आएगा तो उस पर जंप मार लेंगे। आजा भाई, यहां पे आजा, रोस्टेड मिस्टियस जलाने वाला है क्या ये हमें टॉर्च से? वेल, आई से टू दैट नॉट टुडे, नॉट एवर। हम लोग जा भी नहीं सकते, कुछ कवर ही नहीं, अगर ये मुड़ गया तो वाट लग गई। मे भी हम लोग ऐसे करके, चलो, ये मुड़ ना जाए, बस उसका डर है। ओके, अब ठीक, अब नहीं मुड़ेगा। ओ भाई, ओके, नीचे जा रहा है, ठीक है। ये ले, कैप्टन था ये, नहीं कोई नहीं था, कैप्टन है ही नहीं, ओके, पॉलीमार की है, इंटरेस्टिंग।
यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट है, लूट, सब लोग लूट, एंड देन ऊपर बर्न का है, लूट एंड बर्न। ओके, रात को ये ज्यादा दिखेगा बर्न का लाइट। चलो, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लीडर को तो ओपन कॉम्बैट में ही किल करना है, क्योंकि लेवल 32 को आई डोंट थिंक हम लोग स्टेल्थ में किल कर पाएंगे। कोशिश तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आई डाउट इट। नहीं, शायद फायर एरो वगैरह रहते तो हम लोग किल कर सकते थे उनको, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे पास फायर एरोज। चलो चलो चलो, पीछे मत मोड़ भाई, पीछे मत मोड़। ये गया, चलो उधर एक है और कोई तो बॉडी मिली आई थिंक। चलो, लूट एंड बर्न। चलो चलो चलो, ये टैग क्यों हो गया? वो और भी दो लोग हैं जो टैग नहीं हुए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, अभी किल कर लेंगे। ये ले, दो लोग हैं जो टैग नहीं हुए, यहां पे एक और ये दूसरा। चलो, बच गए, मेरे को लगा नहीं था वो देखेगा हमें। आजा 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 भाई, मैं रेडी हूं, आजा। चेक दैट आउट बोल के वहीं पे ही खड़ा है। ओके, हम लोग आ जाते हैं। ये ले, ओ नो, ओ नो, ओ नो, 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 नो। भागो भागो, बच गए बच गए, वो साइड मुड़ा, अच्छा है। कमॉन 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 कमॉन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये गया, नाइस, अच्छा चल रहा है, अब तक सही चल रहा है, लेकिन पकड़े तो जाएंगे। पॉलीमार्क को किल नहीं कर पाएंगे, वो जो हायर लेवल है उनको नहीं किल कर पाएंगे, पकड़े तो जाना ही है। आ जा भाई, आ जा ऊपर। आ जा आ जा आ जा आ जा। नहीं, ओके ओके, ये गया। यहाँ पे बहुत लोगों को मारा, चार लोग। इससे हमें येलो वाला वापस मिल सकता है, और नॉट। ओ नो, भागो ऊपर, लीडर आ रहा है, भागो। लीडर को अभी, एक्चुअली अगर हम लोग के पास एड्रेनलिन हुआ तो हम लोग वो बो वाली एबिलिटी यूज कर सकते हैं, जिससे एक्सप्लोड हो जाता है हमारा बो एक्सप्लोड नहीं, आई मीन एरो एक्सप्लोड हो जाता है। सो गया लीडर। ओके, आई थिंक टाइम आ गया ओपन कॉम्बैट में जाने का। पॉलीमार्क को नहीं मार पाएंगे हम लोग, अनफॉर्चुनेट। छुपो, लेट्स गो एंड बर्न।
लेट्स गो। फ्री कैप्टिव लास्ट में, और क्या बचा है? लूट ट्रेजर। ओके, ट्रेजर नहीं लूट किया हम लोगों ने। ये आई थिंक फोर्ट के बाहर है, इग्नोर। ऊपर से जाता है नीचे, ग्राउंड लेवल से कोई देख लेगा तो। लेट्स गो। आई थिंक बिटवीन फोर्ट एंड लीडर्स हाउस हम लोग स्पार्टन लीडरशिप को कम कर सकते हैं। चलो, और ये गया, ये ले, नाइस। क्योंकि हम लोग लीडर भी मार रहे हैं, उसके फोर्ट में सब जला दे रहे। आई थिंक हम लोग स्पार्टन लीडरशिप को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो कल्टिस्ट भी आ जाएगा बाहर। ओके, वो चेस्ट बाहर है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक ओपन कॉम्बैट में जाने का टाइम आ गया है, नो चॉइस। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, आई थिंक ओपन कॉम्बैट में जाना पड़ेगा। सब लोग आएंगे या एक ही आएगा? ओके, एक ही आ रहा है। यहाँ पे आ जा फिर, यहाँ पे आ जा, ऐसे कर सकते हैं। आ जा यहाँ पे आ जा पार्टन, आ जा आ जा आ जा आ जा। नहीं 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 नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, उसकी लेवल कुछ ज्यादा ही है। ये ले, ये ले, ये पॉलीमार्क तू भी ले, और एक ले तू। He's gone. Nice. हाँ, वो टॉर्च लगाने जा रहा है, नाइस। पे कर दो, सबको पे कर दो। चलो, ओ भाई रुक जा, ब्लॉक। ओके, ये पॉलीमार्क है। ओ भाई रुक, ये ले, और ये ले, और ये ले। दो ही हुआ इस बार। ओके, वो तीसरा दूर था, इसके लिए रहेगा टॉर्च। दोनों के हैवी अटैक्स है। ओ नो, मारो, ये ले, ये ले, और पॉलीमार्क तू भी ले। वेल, लीडर को सबसे लास्ट में मारना है, बिकॉज सबसे ज्यादा बाउंटी आई एम एक्सपेक्टिंग कि उससे ही लगेगी। और टू डाउन, यस, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई एम स्ट्रांग। ओ नो, बच गए। ब्लॉक, ये ले, ब्लॉक, ब्लॉक, ये ले, ये ले। ओ नो, वन टू थ्री और हैवी, नाइस। कहां पर मर गया पॉलीमार्क? को लूट करना था। ओके, सबको लूट कर लिया मैंने, भाग जाओ, लूट। अब आ जा भाई, कहां पे तू? बहुत उछल कूद कर रहा था। अरे on,
ये ले यार, इसमें मजा नहीं आ रहा। पास में जाके इसको बाहर फेंक देते। अब आ जा, ये ले। हाय, ऑब्सिडियन आइलैंड इज नाउ वल्नरेबल। दो माइनस 200 नेशन पावर। नाइस। ओके, लेकिन कल्टिस्ट कौन से साइड से आएगा फाइट करने? उसके अपोजिट साइड रहना है हमें, ये नहीं पता। लेकिन कल्टिस्ट कॉन्क्वेस्ट बैटल में आएगा इतना पता है, लेकिन कौन से साइड से आएगा वो नहीं पता। वेल, देखते हैं, एथेंस के साइड से जाता है एंड लेट्स सी क्या होता है। चलो, एंड कहाँ पर है? नीचे ही है। ओके, नीचे और लूट, नीचे। ओके, ये एक हो गया। मेरे को सेकंड चीज चेक करनी थी कि हमें 3 स्पार्टन सील्स मिले या नहीं। यस, नाइस, इसका स्पार्टन सील मिल गया। चलो भाग लो फिर यहाँ से। क्या हो गया इसको? शायद ओके, अब भाग गया। नहीं, भाग जा। छोड़ो बेचारा वापस कैप्टिव हो जाएगा जब हम लोग स्पार्टन्स या एथेंस को जिता देंगे तब। वेल, यहाँ से शायद जा सकता है। चलो जंप ऊपर। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ पे स्पार्टन से, यहाँ पे एथेंस है। ओके, शिप डॉक पे टेलीपोर्ट होता है। ओके, अब पहले देखते हैं कि कुछ क्लूज मिला कि कौन से साइड पे आएगा वो। ये था आई थिंक, वीकनिंग द ऑब्सिडियन आइलैंड्स विल ड्रॉ सॉकर्स इनटू अवर नेवल बैटल। एस्टेरियन द सेज सेल्ड अशोर टू सी माय शिप। ही वाज इम्प्रेस्ड। इट हैज बीन रिबिल्ट स्ट्रॉन्गर फास्टर। इवन पोसाइडन इज लेस डेडली देन आई। वी डिसएम्बार्क फ्रॉम मेलोस टुमारो। What I long for is battle, a chance to crack open the hulls of my enemies. What I need is a reason, someone to make example of. We are the waves, Sokos. Okay, ये किसी के भी साइड फाइट करेगा इसको बस। तो क्लू में लिखा था कि इसने एक नई अपनी शिप बनाई है जो कि उसके पुराने शिप से स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है, और ये बोल रहा है कि ये मेलोस से कल निकलेगा। लेकिन निकलने से पहले इसको एक बैटल चाहिए, बस किसी भी रीज़न के लिए इसको फाइट करना है, अपनी अज्यूमिंग अपनी नई शिप को टेस्ट करने के लिए। तो आई गेस ये दोनों में से किसी एक को, एक के साथ फाइट करेगा। तो हम लोग एथेनियन साइड चूज करते हैं, अटैकिंग साइड है वो, तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेंगे। Maybe you'd be willing to share Zeus's favor with Athens today. I'd rather leave that up to Zeus. Then maybe just lend us your godlike skills in warfare. We're making a decisive attack on the Spartan navy soon, and we could use your support. Your godlike skills. इसने हमारे skills को godlike कहा। I like him. मैं Athenian के साथ ही जाऊंगा। And I will join you. Glad to share it. Let's feed the Spartans to the sharks. Yes, and cultists. What Spartan men ko compulsory shaadi karni padte thi? Cult of Cosmos aa gaya ye. So
So of course he's the hero captain of Obsidian Islands. And well, I have sailed past the sirens and into the mouth of Poseidon himself. The waves bow to me in fear. Well, iska clue to hum log ne pad liya. By facing Sokos in battle, Cassandra revealed his true identity. Sokos is a cultist and a captain bringing terror to the seas around the Obsidian Islands. Ye to hume pehle se hi pata tha. Or youthful and brash, Sokos, gods of the Aegean Sea. Youthful and brash, Sokos was a remarkable young man. He commanded respect, yet self-proclaimed protector of the Obsidian Islands, sailed for one reason alone, to earn glory in the eyes of Cosmos. ओके तो ऑब्सिडियन आइलैंड्स का प्रोटेक्टर है ये, मतलब हमेशा डिफेंडिंग साइड में जाएगा. ओके टू एनी हु स्टूड इन द वे ऑफ कल्चस एम्बिशन फाउंड देमसेल्फ इन सोकोसेस वेक सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सी. ओके तो इसकी स्टोरी बता रही है कि ये एक मतलब रिमार्केबल सेलर है और इसको बहुत लोग रिस्पेक्ट करता है और ये खुद को ऑब्सिडियन आइलैंड्स का प्रोटेक्टर मानता है. और वेल प्रोटेक्टर मानता है लेकिन जो भी कॉस्मोस के बीच में आएगा ये उसको मार डालता है. चलो मार्क करके रखे क्या? आई थिंक मार्क करके रखते पता चलेगा कौन सी शिप इसकी है. आ तो हम लोग पहले दूसरे स्पार्टन शिप्स को मारते हैं क्योंकि इसको बोर्ड करना पड़ेगा राइट, इसको मारने के लिए, कल्टिस्ट को मारने के लिए. तो पहले दूसरे स्पार्टन शिप्स को मारते हैं, एक दो तीन चार और वो फिफ्थ है. ओके मारो, लेट्स गो, ये ले, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये ले, ओ भाई वो कल्टिस्ट की शिप पीछे लग गई है हमारे. दैट्स वन डाउन, ब्लॉक 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 ब्लॉक, पीछे ही लग गई है कल्टिस्ट की शिप. ओ भाई डैमेज, आई थिंक हमें बोर्ड करना पड़ेगा इसको, बहुत डैमेज है इसका, पहले ही बोर्ड करना पड़ेगा. ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ओ नो, इनिशिएट बोर्डिंग बोर्डिंग बोर्डिंग, नाइस, अब डूब भी गए चलेगा. क्लोज, अच्छा हुआ शिप के हल को अपग्रेड किया. ये ले और ये ले, ये स्पार्टन शिप है या कल्टिस्ट शिप है? आई गेस स्पार्टा ने गार्ड्स दिए रहेंगे, कल्टिस्ट को दिए रहेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए. ओ नो नॉट टुडे, ये ले और ये ले और स्पार्टन के इक्विप करता है, ये ले, नाइस, वेल डन. ओह मेरे को उसको करना था, ये पहले ही मर गया. ये ले, नाइस. कल्टिस्ट कहां पर है? ये नहीं थी कल्टिस्ट की शिप, स्ट्रेंज. ओके इंटरेस्टिंग. ओके वो कल्टिस्ट की शिप थी, तो हम लोग एक नॉर्मल शिप से मार खा रहे थे. ओके ओके ओ बॉय, ओके हील हो गई. ब्लॉक 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 ब्लॉक,
लॉक आगे 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 कल्टिस्ट से पंगे नहीं लेता, हमारी हेल्थ बहुत कम है। नाइस ब्लॉक, नाइस ये ले अब मेरे आरोप का, और जैवलिंस भी। नाइस अब सिर्फ कल्टिस्ट की बची है, स्ट्रांग होगी ऑब्वियसली, कल्टिस्ट की शिप है, मगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। चलो एथेंस की शिप भी है हमारे साइड, ये ले ये ले, और बर्न बर्न, ये ले नाइस। कहाँ पे सेफ, मेरे को एक देखना है बार्नाबास भी आता है क्या साथ में बैटल करने, आई डोंट थिंक सो, हमारे एब्सेंस में आई थिंक बार्नाबास कमांड करता है शिप को। बाय बाय ये ले ये गया, हैवी अटैक नाइस, और बाय बाय नॉट और नॉट, ये ले इसका कैप्टन तो गया, ये ले सिर्फ अकेला कल्टिस्ट बचा है, इसको तो किक नहीं करना है, इसको तो किल करना है, हमारी पूरी क्रू लगी है उसके पीछे। नाइस लूट लूट, एंड ये सबसे बड़ा वाला चेस्ट, नाइस इज डेड। बहुत कुछ आइटम मिले, नोटिफिकेशंस बहुत आए अभी, और हम लोग जीत गए राइट, नदी ये डूबने के बाद आई थिंक हम लोग जीत गए। हम लोग जीत गए या नहीं, अथीनियन लीडरशिप, यस जीत गए हम लोग, लेट्स गो शिप डॉक। टफ था, झूठ नहीं बोलूंगा, हम लोग ऑलमोस्ट मरने वाले थे अगर वो बोल्डिंग का नहीं आता तो, टफ बैटल थी, कल्टिस्ट की नहीं थी लेकिन बाकी के शिप्स में को ज्यादा टफ लगे कल्टिस्ट से ज्यादा। हम लोग इसको किल कर सकते हैं लेकिन सिटी में फाइट करना डिफिकल्ट रहेगा, कि दूसरे सोल्जर्स हमेशा मर्सेनरी की साइड लेता है तो डिफिकल्ट रहेगा सिटी में फाइट करना, नॉट इम्पॉसिबल डिफिकल्ट। पहले तो सब नोटिफिकेशन देखते, बहुत कुछ आया इन्वेंटरी में, वेपन में नहीं ले सकते, स्टाफ स्पीयर और सॉर्ड, हॉपलाइट सॉर्ड, हॉपलाइट माने ग्रीक के वो शील्ड जो हाथ में शील्ड रहती है वो ही ना हॉपलाइट्स, आई डोंट नो, मैं बचपन में गेम्स खेलता था एज ऑफ माइथोलॉजी करके उसमें था हॉपलाइट, हेलमेट ऑफ एरीज नॉट बैड, आई डोंट नो, मैं अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि मैं हेलमेट के साथ खेलूँ या विदाउट हेलमेट खेलूँ, शायद आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को हेलमेट के साथ खेलना है या हेलमेट के विदाउट। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ हेलमेट के, मतलब विदाउट हेलमेट, लेकिन ये हेलमेट सही दिख रहा है, हेलमेट के साथ भी नॉट बैड, अच्छा दिख रहा है।
खैर छोड़ो, आर्मर को देखते हैं पहले। पहन ही नहीं सकते। आई थिंक ये वाले जो है एलिगेंट ब्रेसर्स, ये वो लीडर के गार्ड्स के साथ मिले। पायरेट वेस्ट बैंड, 50% डैमेज विद असासिन। हम लोग के पास पाँचों नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो। इक्विप सेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब नहीं है हमारे पास पाँचों के पाँचों। फैंग्स, हम लोग ने फोबोस को कब से नहीं बुलाया। यूनिकॉर्न का वो रेनबो, आई डोंट नो, आप लोगों को शायद अच्छा लगता रहेगा, वो मेरे को पसंद नहीं आता। वो जो पैर में रेनबो आता है, मैं दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे टॉर्च नहीं, नहीं ये भी नहीं, किससे बुलाता है वो ही भूल गया मैं। नहीं डाउन, हाँ डाउन। इतनी देर से बुलाया नहीं, भूल गया। ये जो पैर के पीछे आता है वो रेनबो, अजीब लगता है थोड़ा। दिस थिंग वो पसंद नहीं है मुझे फॉर सम रीजन। एक्चुअली वाई नॉट डिफीट, इतने पास में है, वाई नॉट। पेक्सोडोरस द इररेलेवेंट, पेक्सोडोरस वॉज कॉल्ड द इररेलेवेंट बाय मैनी। इट इज सेड ही वुड फाइट टू द डेथ सोली टू प्रूव दिस लेगेसी रॉन्ग। To be fair, he did deserve his name for a time. Although he ended up proving he deserved to be called relevant, it took far too long and the nickname stayed until death. Okay. Can drain stamina with certain attacks. Takes more damage from fire. Fire है नहीं हमारे पास. Okay, तो इसकी back story कहती है कि इसको बहुत लोग irrelevant बोलते हैं, यानी मतलब important नहीं है ये. तो ये मतलब खुद का इम्पोर्टेंस प्रूव करने के लिए बहुत फाइट्स में जाता था टू द डेथ। मतलब आइदर ये बचता था नहीं तो ये उसका ओपोनेंट। लेकिन वो जो निकनेम इररेलेवेंट या जो निकनेम था, वो इतनी देर तक मतलब लोग कहते रहे कि उसके फाइट्स का कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसकी मरने तक उसको इररेलेवेंट ही कहा लोगों ने। मरने तक यानी अब से 5 मिनट बाद, पाँच भी नहीं, कितना टाइम लगेगा मैं इसको मारने में। रियली ये ले, हाफ हेल्थ इज गॉन, और इसका फायर से ज्यादा डैमेज होता है। इसका भी वर्डिक्ट किल है, मैं रिक्रूट नहीं करने वाला इसको। डाउन ये ले, ये ले ब्लॉक। ओ सोल्जर फाइट नहीं कर रहा है उसके साइड, अच्छा सोल्जर है। आजा 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 आजा। कोई पानी नहीं लाने वाला। ओ नो पॉइजन, अच्छा ये ले। हम लोग को भी पॉइजन आता है। ब्लॉक ओके, अच्छा सोल्जर है वो, सोल्जर देख रहा है हम लोग, सिविलियंस को तो हंट नहीं कर रहे, हंट नहीं हर्ट नहीं कर रहे। ओ नो, ओ भाई ब्लॉक मारो, ये गया। लूट, थैंक्स भाई, तुझे नहीं किल करेंगे। कहाँ पे जा रहा है ये, तुझे नहीं किल करेंगे हम। थैंक यू बीच में ना पड़ने के लिए। इन्वेंट्री लेट्स सी क्या मिला, बो मिला हम, हंटर्स बो, और इसमें ये रहेगा, बो में बैंडेड बो मिला। एबिलिटीज ओके, अब कौन सी ले, शायद ये वाली ले सकते हैं। एनिमी डिटेक्शन डिस्टेंस इज फर्दर रिड्यूस्ड इन क्राउच, क्योंकि हम लोग इतना स्टेल्थ कर रहे हैं। ओ ये अच्छा है, इसके बाद वाला अच्छा है। एट नाइट असैसिनेशन एंड आउट ऑफ कॉम्बैट डैमेज इज इंक्रीज्ड, अच्छा है ये, अच्छा है। इसके बाद ये लेते हैं, इसका थर्ड वाला
और कल्टस्ट, और एक मिल गया, रेडी टू अनवेल। द स्टोरीज विल टेल ऑफ हाउ आई किल्ड पोसाइडन विद हिज ओन ट्राइडेंट एंड थ्रू हिज फकिंग हेड टू द शार्क्स। कितने भी इतना ब्राग भी मत कर, आई नो योर गुड वर्ड, इतना वर्ड ब्राग कर। क्रू थीम कल्टस, तीन, ओके दो ही सेट मिले फिर पायरेट के हम लोग को, इसके तीसरा फोर्थ और फिफ्थ, और इसमें सोड गॉर्गियन ज़ेनोफोस ज़ीफोस द सेज सब शिप कैप्टन। हाँ मेक सेंस, इसमें आई थिंक गॉड्स ऑफ द एजेंसी में सारे शिप्स रहेंगे। सेज यंग, खैर सोकोस ने कुछ लेटर वगैरह भेजा था, नहीं इसका था वो लेटर क्लू। ओके मार्क करता है और एक बार देख लेता है कहाँ पर ये एग्जैक्टली। वो बहुत दूर है, बहुत टाइम है इसको किल करने में, क्योंकि ये ऑब्सिडियन आइलैंड्स के बाद हम लोग अर्गोलिस और कॉरिंथिया में जाने वाले हैं, उसके बाद मिकोनोस में भी आई थिंक क्वेश्चन था, डेलोस में, मिकोनोस में, यस मिकोनोस में भी क्वेश्चन था, ट्रबल इन पैराडाइज। यहाँ पे भी कल्टिस्ट है ना, इस जहाँ देखो वहाँ कल्टिस्ट। वेल इनिशियली तो इसको अटैक करो और अटैक कहाँ पर है ये, येरा ट्रैक, लेट्स गो। वो रात को एथेंस, सब जगह टॉर्चेस वगैरह ऐसा ही दिखती है। खैर वापस डे टाइम करता है। हम लोग ने सिर्फ फोर्ट के लिए रात की थी, आई थिंक कॉन्क्वेस्ट बैटल को भी रात को ही फाइट किया हम लोग ने। खैर कोई नहीं, ये ले भाई तेरे तीन पार्टन के सील। I do. You doubted me. I do, you bolta. Yes, I have the seals for you. This will show those idiots in the assembly we're making progress. Interested in getting rid of more polemochoses for me? Okay, aur teen ko kill karna hai kya? I'm interested. I'm impressed with your work. Did you expect any less? I had hoped, but hiring you was a gamble. Most things in life are. I am perhaps a bit more willing to gamble than my fellow generals would like. If you take no risks, you win no wars. Exactly. How is it a mercenary understands this when the greatest generals of Athens don't? I'm not sure whether I should feel flattered or insulted. The Spartans are trying to find our supply lines. We've caught several spies already. We cannot afford such a loss. Not if you want to kill them. Spies ko kill karna? No. I need you to kill more of their commanders. Okay, any commander. Leaders without leadership. They'll be scrambling. Are you sure? Spartans are fierce warriors. Warriors, yes. Thinkers, no. They react like wild animals. Put them in a situation that requires genuine thought, and they fall apart. Kill the commanders and bring me their seals. We'll see how the other generals react to that. I'll get you your seals. The sooner the better. ओके तुम स्पार्टन्स के बारे में क्या सोचते हो? If you were to ask General Ney on that, he'd tell you they were mindless brutes. That's half true. They have a base sort of cunning. It shouldn't be enough to withstand Athenian might, assuming the other generals make intelligent decisions instead of stalling. You do know I'm of Spartan birth. You're more skilled than the average Spartan. In time, you might even manage Athenian citizenship. The true pinnacle of success. Of course. I wish I had more say over our naval forces. What I could do to the Spartans then. Well, हमको Athenian citizenship अभी भी मिल सकती है।
पेरिक्लीस के दोस्त हैं हम लोग। कब से आप एक जनरल हो? आप तुम इसका एज नहीं पता, कैसेंड्रा का एज भी नहीं पता मुझे। Have you held this command for long? I've been a general in the army for a long time. I made some mistakes in my early days, but I more than made up for them after. Still, everyone attributes my victories to luck, never to my own decisions. I see how that could be frustrating. Other men take credit for my victories. Cautious men who cause needless deaths by overlooking opportunities. You know what happens to a general who loses his reputation? Who gets blamed for the loss of Athenian lives? Nothing good. He dies. So I will do everything to preserve Athenian lives. Maybe one day, I'll even get credit for my accomplishments. My accomplishments? हम लोग kill कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये gamble कर रहे हैं हम लोग को hire करके। It's fine, ले भाई ले credit ले ले। और तुझे वो seals क्यों चाहिए? Why do you need these seals? I need those seals to shove in the faces of the assembled generals to get them to wake up. While they've been debating and stalling, I've been winning the war. Okay. Enough information. Demosthenes belt. Bhai kuch golden to de deta. Kitne hai waise seals? ओके okay, और तीन सील कुछ गोल्डन तो दे देता पर्पल वाला दे दिया। चलो कोई नहीं, सूट नहीं कर रहा है गोल्डन, गोल्ड पे ब्लू यही ठीक है। और क्वेस्ट को अटैक कर देते हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ये क्या है द एयर? ओके ये रहेगा साइड क्वेस्ट नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, डीएलसी रहेगा। और जहाँ तक मेरे को पता है, पहले ये करना है लेगेसी ऑफ द फर्स्ट ब्लेड और उसके बाद फेट ऑफ अटलांटिस है। आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, मेरे को स्टार्ट करने से पहले गूगल करना पड़ेगा पहले कौन सा करूँ। चलो दोस्तों, फिर आई थिंक इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।